अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं ताजवंता में। ये ताजवंता जो हैं ये बिल्कुल डल के किनारे पे वाक़ा हैं, बहुत ऊंचाई पे हैं। यहाँ पे एक बार आप आइए तो आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल कुदरत के नज़दीक हैं। चारों तरफ हरियाली हैं, पहाड़ हैं, और ये बादलों से देखिए सब कुछ घिरा हुआ है। मैं फारूक जान आज इसलिए आपके सामने आया हूँ ताकि कश्मीर को लोग देखें, चाहे वो हमारे भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या कि बाहर रहते हैं। सब लोग आए, इंजॉय करिए, इस जैसी जगह दुनिया में कहीं नहीं है। ये वाकई एक जन्नत है। जन्नत को अगर आप देखना चाहते हैं आप कश्मीर ज़रूर आइए। और मैं साथ में आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ आज। इससे पहले तो मैं देखिए, ये एक जेंट्स का कानी शॉल है। ये जेंट्स कानी शॉल बनाने में कारीगर को कम से कम 1 साल लगता है। ये देखिए, ये 3 गज लंबा है और ये 1.5 गज चौड़ा है। ये शॉल नहायत ही खूबसूरत है, और एक कारीगर जो एक हैंडलूम पे इसको बुनता है उसको बनाने में कम से कम 1 साल का टाइम लगता है। नहायत ही मेहनत से, क्योंकि पहले औरतें यहाँ पे ये पश्मीना जो होता है धागा बनाती हैं, पश्मीना वूल जो होता है वो हम लद्दाख से लाते हैं, उसके बाद पश्मीना को यहाँ की औरतें काटती हैं, धागा बनाती हैं, उसके बाद वही धागा रंगा जाता है, डाई किया जाता है नेचुरल फैब में, डाइज में, उसके बाद हम इनको हैंडलूम पे बनाते हैं। बिल्कुल जैसे कालीन वीव किया जाता है वैसा एक होता है लूम, बिल्कुल उसी तरह से उसी तरह के इस लूम पे इसको बुना जाता है। कहानी तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन फारूक अहमद जान एलिशियन आर्ट सेम्पोरियम जो आपको कहानी दिखाएगा वो लाजवाब होगा। इसलिए होगा, नेशनल अवार्ड होने के साथ साथ हमें 2004 में नेशनल अवार्ड मिला है, लेकिन 2001 में हमें यूनेस्को क्राफ्ट प्रेसर एशिया मिला हुआ है। ये हमारी जो पीसेज हैं वो काफ़ी म्यूजियम्स में परमानेंट डिस्प्ले पे हैं, जिसमें एक हमारा पीस पेरिस के म्यूजियम जो हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को है परमानेंट डिस्प्ले रखा हुआ है, जो कि पश्मीना सोजनी नील वर्क का है। वी आर वेरी नोन फॉर पश्मीनाज एस्पेशली इन सोजनी एम्ब्रॉयडरी। सो हम चाहते हैं आप कश्मीर आए, हमारी शॉप संगरमाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो 102 और 106 में है, आप ज़रूर आएंगे, आप इसको खूब इंजॉय करेंगे। हमारे पास आपको पश्मीना में हर किस्म की वैरायटी मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास कालीन है, वुड कार्विंग है, पेपर मैशी है। लेकिन पश्मीना के हम बात जब करते हैं, पश्मीना के कानी और पश्मीना के सोजनी, चाहे आप रेशम के एम्ब्रॉयडरी चाहते हो, चाहे कॉटन थ्रेड के एम्ब्रॉयडरी चाहते हो, चाहे आप पश्मीना के ऊपर पश्मीना से एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हो, ये सब मिलेगा। इसके अलावा साड़ियाँ, सूट, क्रेप में, सिल्क में, जॉर्जेट में, जैकेट्स में, लॉन्ग शॉर्ट जैकेट्स, ये सब आपको मिलेंगे। आज हम आपको दावत दे रहे हैं कश्मीर आने की, कश्मीर के साथ साथ यहाँ के क्राफ्ट को एंजॉय करने की। और यहाँ के लोग सच में फरिश्ते हैं, क्योंकि जो जन्नत होता है जन्नत में फरिश्ते रहते हैं, और जो जन्नत में ये काम करने वो लोग हैं, जब आप इनसे मिलेंगे आपको ऐसा लगे हम फरिश्तों से मिल रहे हैं। क्योंकि जो व्यूवर्स होते हैं और ये जो बुनकर होते हैं, ये अल्लाह ताला ने इनको ऐसा कुछ पेशेंस दिया होता है, सालों लेते हैं एक शॉल बुनने में, उनको कोई ये नहीं है, वो कीमत नहीं देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो अल्टीमेट कस्टमर वो खुश हो जाएगा। हमारी आपसे सबसे यही इल्तिजा है, आइए घूमिए, एंजॉय करिए, और यहाँ के पश्मीना लेके अपने आप को खुश करिए। अल्लाह हाफिज़।